अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। लास्ट टाइम मैं जिम गया था रमजान से पहले, और जब आप रेगुलर जिम कर रहे हो और उसके बाद फिर आप दोबारा जिम ज्वाइन करो तो उसमें बड़ा मसला होता है दोबारा रूटीन में आने के लिए ना, बहुत सेटल होता है। मैं छोटी ईद के बाद से ट्राई तो कर रहा था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, लेकिन अभी तक मैं जा नहीं सका। तो आज फाइनली जिम ना जाने में सुस्ती भी थी मेरी, लेकिन एक और वजह ये भी थी कि मैं या तो सुबह के होकर जाऊँ या शाम के होकर जाऊँ डिसाइड नहीं हो रहा था। शाम में गर्मी बहुत होती है, सुबह में ये जिम में सुकून होता है आराम से। हाँ, जिम मेरा है भी पास, तकरीबन आप कह लें 7-8 मिनट की वॉक पे, तो मैं पैदल ही जाता हूँ, पैदल ही जाऊँगा अब से। पहले तो मैं शाम टाइम ही जाता था तो कार्डियो भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। एक ज़माने में अच्छी थ्रो हुआ करती थी मेरी यार, फिर कुछ यूँ हुआ कि मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। ख्याल ही करता हूँ कि थ्रो ज़्यादा ही ना फेंकूँ, यहीं बाजू दरमियान में ना रुक जाए मेरा। बॉयज़ अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मुझे। अपने ज़माने में अच्छा फील्डर हुआ करता था यार। मोहसिन भाई बताएं यार, मोहसिन भाई भाई हैं मेरे, हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे वो। जैसा मैं फ़ुटबॉलर का शौकीन था, वो क्रिकेट के शौकीन थे। तो सर मैं फ़ुटबॉल के लड़के इकट्ठे करता हूँ, क्रिकेट के हमारे लड़के इकट्ठा किया करते थे। वो रिलेट करेंगे, उनको पता भाई अच्छा क्रिकेटर था यार, वो हमेशा टीम में रखते थे मुझे अपनी। मिनट्स का सेशन था, अब सारी आज तो नहीं कर ली ना, कल भी आना है। केसी भैया और पीटर भैया याद आ रहे हैं मुझे, स्केटबोर्ड या वन व्हील जो है ना, आते वक्त तो ठीक है यार, आते हुए बंदा फ्रेश होता है, अभी वापसी भी ना बस हुई होती है, वन व्हील हो बंदा फुल ले लेता या स्केटबोर्ड हो करते हैं साहब, कोई वापसी का सिस्टम बनाना पड़ेगा कोई मज़ेदार ना। हैं किस तरह तुम किधर से आ रहे हो? ये मुझे घर तक ही छोड़ दो। हैं मैं साइकिल नहीं चलता। हैं मैं साइकिल नहीं चलता। कमाल है, मेरे सामने घूम ही जा रहे हो, मुझे छोड़ ही दो। यहां पर आकर ड्राइव करती है आपको। सब आ गया। अस्सलाम वालेकुम, यह मुझे था कि जब मैं सो के उठूंगा ना तो थोड़ा सा मैं जिम से आके सो गया तो मुझे ना क्रैम्प्स पड़े होंगे और हिलना जो है ना वो मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिलहाल इस तरह कुछ नहीं है, बचत हुई है अल्लाह का शुक्र है। नाम बताओ। मोहम्मद कामरान। ये दूसरे मेंबर हैं, ये तीसरे मेंबर हैं, इनका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद। आपका नाम क्या है? मूसा। इनके साथ आप पहले ही मिलेंगे, ये इसका कज़न है और ये इसका भाई है। तो यार इनके क्या करना है ये अपने जानवरों का ऊपर टेढ़े गए उतारे अजान, तेरा दिल कर रहा था खाने को, खाएं फिर आज करे कौन ऊपर टेढ़े? मैं। ये तुम छोड़ दो, तुम छोड़ो। मैं वैसे ये जानवर का प्यार है फिर। हाँ देख ले, अगर तू गिरा मेरा मेरा भी जिम्मेदारी। सही है, ठीक है, डल्ला दे चलो। नजर आ रहे हो तो पहुंच जाएंगे तू? हाँ। कैसे? डंडे से। हमको बहुत आ रहा हूँ।
फेंको नहीं, इनको इकट्ठा करो, फेंकने वाली चीजें नहीं है। क्या करा? मैं तुम्हें शॉपर देता हूँ, वो उसको करो। निकालो इसको भी जाऊँ। ये एक हो गया। ये 102 हो गए, ये 115 हो गए, 120 और ये 125। ये ऐसे ऊपर थे कि हमजा भाई मुझे जाने दे, बस ऊपर ऊपर से इतने जामन लाऊंगा कि पता नहीं रश पड़ जाएगा। आ भाई वहां पे शॉपर देखा, कितना बड़ा शॉपर दिए थे, शॉपर पूरा ट्रक से भरा। हां कैसा लगा? मजा बेस्ट लगा। वो मीठा था या कड़वा था? क्या मीठा, मेरा आधा कड़वा आधा मीठा। ये घर का जामुन है, इतना ज्यादा कितना से उगाऊंगा इसको? हां तो यार कुछ हां तो मैं जाऊं मिस मिला करके अपने घर, बकरियों को थोड़ी दानी ले जानी है। कितनी बकरियां तुम्हारे पास? 13 में से अगर 6 बकरियां मैं ले लूं तुम्हारे पास कितनी रहेगी? हैं 13 में से 6 ले लूं, 7 पक्की बात? पक्की बात।